Press the bell icon and never miss any updates from India Forums. सोनी टीवी के शोरिश्ता लिखेंगे हम नया में रतन हुए शॉर्टलेस और दिया लगा रही है रतन को हल्दी का लेप। दरअसल रतन को लग गई है चोट और उसी चोट पर हल्दी का लेप लगा रही है दिया और लेप लगाते हुए दिया फिर एक बार सपना देखने लगती है और सपने में रतन और दिया रोमांटिक हो जाते हैं। बात यह है कि दिया को रतन से हो गया है प्यार, लेकिन रतन को दिया से अभी भी प्यार नहीं हुआ है और वो दिया के सामने अपने आप को एक ड्रग एडिक्ट साबित करना चाहते हैं। रतन ने दिया के दिमाग में शक पैदा कर दिया है कि वो ड्रग्स लेते हैं और दिया रतन का ब्लड सैंपल लेना चाहती है। Come, let's find out more on this from them. हाँ, मुझे ही नहीं समझ रहा कि क्या हो गया, वो गिर कैसे गए हैं और उन्हें चोट कैसे लग गई है, उनका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया, तो मैं खुद ही बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि ये क्या हो रहा है। गिर गया क्योंकि मुझे काकुसा ने कहा था गिरने के लिए, हमारा प्लान चल रहा है मेरा काकुसा का, ताकि हम वो प्रूफ कर सके कि मैं बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट बन चुका हूँ, ताकि दिया मुझे छोड़ दें। एज दिया को मुझसे प्यार हो चुका है, मुझे दिया से प्यार बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बस मैं उन्हें चाहता हूँ कि उनका दिल बिना दुखाए बिना उन्हें बस अलविदा कह दूँ। हाँ नहीं नहीं एक्चुअली मेरे मुँह पर लगी नहीं है, ये एक छोटा सा ड्रीम सीक्वेंस है जहाँ मैं एज यूजल इमेजिन करने लग जाती हूँ रतन और मैं जब भी अकेले होते हैं कमरे में, तो बस ये वही है और वो मैं सपने से ऐसे उठ जाती हूँ, तो वैसा ही है ऐसा, एक्चुअली मुंह पे हल्दी वल्दी नहीं लगी है। हाँ, ड्रीम सीन तो नहीं था, ड्रीम सीक्वेंस था जो कि वो दिया की तरफ से था, मेरी तरफ से नहीं था। मैं उन्हें लेप लगा रहा हूँ हल्दी का और वो मुझे अपने गाल से लेप लगा रही हैं और हाँ, रोमांटिक सीन बन गया वहाँ पे। अब वो जो कुछ भी आएगा वहाँ तक तो हम पहुँचे नहीं अभी, तो अभी तो फिलहाल हमारा नाटक ही चल रहा है और कोकीन वोकीन का पूरा ड्रामा चालू है अभी, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। Hi, this is Rohit Sushanti and you guys are watching me on India Forums. Thank you. Now, how excited are you guys for this upcoming sequence in the show? Do comment and let us know. With Ashima Chawra, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.